उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने केंद्र सरकार से मिली मदद का दुरुपयोग किया है, प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर नकल के लिए भी अकल चाहिए, इसको प्रदेश सरकार ने तमाशा बना दिया है। वहीं पेंशनर्स और कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि प्रदेश में इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं रही। साथ ही उन्होंने गारंटियों को लेकर भी सरकार से सवाल किया। नकल के लिए भी अकल चाहिए। जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चारों तरफ तमाशा बन गया उस सरकार का। पिछले एक साल से ज़्यादा का समय हो गया, 13 महीने का कार्यकाल हो गया, लेकिन 13 महीने में विकास के नाम पर एक भी योजना जमीनी स्तर पर नहीं चली है। हमारी सरकार थी, हमने एक साल में 30 योजनाएं शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में, और मैं उन बातों का जिक्र करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ कि एक साल में आज ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में। कर्मचारियों को पेंशन देने की बात कह रहे हैं, कर्मचारियों के हितैषी होने की बातें कह रहे हैं सुक्खू जी, लेकिन कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हजारों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए, HRTC में हजारों लोग अपनी तनख्वाह लेने के लिए धरने पर बैठने पर विवश हुए। ये स्थिति कभी हिमाचल प्रदेश में आई नहीं थी। और डीजल की कीमतों पर 7 रुपए की इंक्रीज कर दी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आने के पश्चात। ऐसे एक नहीं, अनेकों निर्णय, गारंटियां 10 दी हैं। महिलाओं को कहा कि 1500 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे। आज तो 13 महीने बीत गए, 13 महीने बीतने के बावजूद वो कैबिनेट कब होगी, जब प्रदेश की महिलाओं को लगभग 21 लाख की लगभग उनकी आबादी बनती है महिलाओं की कुल 18 से 60 साल की, तो उनको 1500 रुपये कब मिलेंगे, ये प्रश्न पूछ रही हैं महिलाएं। पूरी तरह से ये सरकार असफल हुई है।